हेलो दोस्तों, ये कहानी है दो प्यार करने वालों का, एक लड़का और एक लड़की। पता है, लड़का गरीब था, लड़की अमीर थी, और दोनों अलग जाति का भी थे, पर एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते थे। दोनों लड़का लड़की अपने अपने माँ बाप से, अपने फैमिली से बातचीत की कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले दोनों कोई भी तैयार नहीं हुआ। और क्या किया, लड़की के माँ बाप ने लड़की का शादी तय कर दिया। शादी के दिन ही लड़का लड़की दोनों 2 बजे रात को भाग गए, घर से भाग गए, एक अलग शहर में भागकर दोनों ने शादी कर ली। अलग शहर में जाकर दोनों शादी कर ली और एक दूसरे के साथ रहने लगे, बहुत खुशी से रहने लगे। कुछ दिन बीत गए, कुछ मतलब महीने साल बीत गए, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, 2 महीना का बच्चा भी रह गया। अब क्या हुआ यहाँ पर कि लड़की के भाई बाप लड़की को खोज रहे थे कि कहाँ पर दोनों रहता है। जब लड़की का पता चला तो लड़की के भाई बाप उस लड़की के घर गए और बहुत प्यार से दोनों से बात किया कि ठीक है, तुम लोग शादी कर लिया, कोई बात नहीं है, अब हम लोग परिवार हैं, एक साथ हैं, फैमिली हैं, तो चलो एक दूसरे को अपना लेते हैं। लड़की बहुत खुश हुई, लड़का भी बहुत खुश हुआ कि चलो जो गीला शिकवा था सब मिट गया। अब क्या हुआ कि लड़की के बाप भाई बोले कि चलो घर चलो, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। इस तरह बोलकर लड़की को लेकर आ गया घर पर। लड़की का माँ भी बहुत खुशी हुई, गले लगाई। कुछ दिन बीतने के बाद वो लोग अंदर ही अंदर, लड़की के माँ बाप अंदर ही अंदर लड़की की शादी भी तय कर दी। बहुत सारा दान दहेज देने की बात कर दी लड़के वाले को। और क्या हुआ कि लड़की का थोड़ा तबीयत खराब हुआ, प्रेग्नेंट थी 2 महीना का, तो वो हॉस्पिटल ले जाकर उसका बिना कहे पूछे उससे, लड़की से, और उसका बच्चा का वॉश करवा दिया। अब क्या हुआ कि जब लड़की को हॉस्पिटल से लेकर आया घर पर, और ठीक 10 दिन 15 दिन के बाद लड़की का शादी कर दिया जबरदस्ती, और लड़के को मिलने भी नहीं दिया गया। लड़के को मार पीट कर उधर से ही भगा दिया गया, क्योंकि लड़का गरीब भी था, कुछ कर नहीं पा रहा था। और यहाँ क्या हुआ कि लड़की का विदाई हो गया, दूसरी शादी हो गई। लड़की जब ससुराल में 1 सप्ताह रही, लड़का जो उसका प्रेमी था वो उस लड़की का ससुराल भी पहुंच गया। अब वहां से भी क्या किया कि 1 सप्ताह तो रही, उसके बाद से 2-3 दिन के अंदर में वहां से भी भगा दिया, लड़की को भगा कर ले गया दूसरे शहर में कि अब किसी को भी पता नहीं देंगे। अब क्या हुआ कि लड़का तो चला गया, लड़की को लेकर के भाग गया। इसके लड़की के माँ बाप ने उसी समय बोला कि मेरे लिए लड़की मेरी बेटी मर गई है, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके नाम से पिंड दान भी कर दिया। फिर से लड़की प्रेग्नेंट हो गई, खुशी खुशी दोनों रहने लगे, बच्चा भी हो गया। बच्चा जब 3-4 महीना का हो गया,
जन्म लिए हुए, तो उसके बाद से लड़के के माँ बाप ने लड़का को कहा कि मैं मेरी बहू को और उसके बच्चे को, तुम्हें मैं सबको अपनाना चाहता हूँ, तुम मेरा बेटा है, ये मेरा बहू है, चलो घर चलो। खुशी खुशी से दोनों को लेकर के गए। दोनों माँ बाप तो बहुत अच्छा से व्यवहार कर रहे थे, रख रहे थे, और कुछ दिन के बाद, बीतने के बाद, लड़के के मम्मी, बहन, भाई, भाभी सब मिलकर लड़के को लड़की के खिलाफ पूरा भड़काने लगा, उल्टा पलटा उसके दिमाग में भरने लगा। लड़का है सो अपना पत्नी का बात नहीं सुन रहा था, अपनी माँ बहन का ही सुन रहा था, और बहुत मार पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि 3 महीना का बच्चा था, उस पर भी बहुत गुस्सा निकालता था, बच्चे को भी मारता था। एक बार इसी तरह से हाथ से उठाकर बच्चे को जमीन पर गुस्सा से पटक दिया। बच्चे का 2-3 दिन के बाद से मौत हो गया बच्चा का। लड़की समझ गई कि अब मेरा यहां रहना मुश्किल है, अब ये लोग, ये मेरा पति भी नहीं सुन रहा है, अब मैं क्या करूं। लड़की तुरंत सोची कि क्या करूं, वो गई अपने माँ बाप के पास हेल्प मांगने के लिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लड़की का माँ बाप ने कहा कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरी बेटी तो कब का मर गई है, कौन हो तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती है। वो बेचारी रोते रोते फिर से ससुराल आई, बहुत सारा उस पर शासन हो रहा था, कभी सास मारती थी, कभी ननद, कभी गोतनी, अपति तो मारता ही था। लास्ट में वो बेचारी देखी कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरे माँ बाप भी नहीं है, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं रहा, बहुत कुछ हो गया। लास्ट में वो बेचारी जिंदगी से इतना हार गई कि वो फांसी लगा ली, फांसी लगाकर मर गई। यहाँ लड़की का माँ बाप कुछ भी नहीं किया, फांसी लगाकर मर भी गया ना, फिर भी वो माँ बाप कुछ दिल जरा भी नहीं पसीजा, बोला कि वो भाग गई तभी मर गई मेरे लिए। बताइए किसका गलती है, लड़की का, लड़की का माँ बाप का, उसका ससुराल वाला का, कि लड़के का, या खुद लड़की का? कमेंट में जरूर बताइएगा, कहानी कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा।